वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और हमारे पास जो न्यूज स्टोरी है उसके बाद डिस्कशन पे हमारे पास अब हेल्थ का टॉपिक है, क्योंकि हेल्थ के हवाले से हम बात करें तो वॉकिंग तो हो रही है, लेकिन एट द एंड आज जो हमारे पास जिस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे, आपको बताएं कि डायबिटीज समेत 10 बड़ी बीमारियों में लाहौर जो है सरे फहरिस्त पर है। इन्फेक्शन की बीमारियों की बात कीजिए तो फैसलाबाद पहले, गुजरावाला दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पे है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद होंगे सजाद काजमी साहब जो कि रिपोर्टर हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर मियां तारिक महमूद होंगे जो कि पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन से एसोसिएटेड हैं। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सजाद काजमी साहब, ये खबर आप ही की है और इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं इसको थोड़ा सा बताइएगा, फिर हम डॉक्टर साहब से बात करें। जी, ये बहुत वैसे सरप्राइज है लाहौरियों के लिए और पंजाब के दीगर शहरों के लिए कि पहले शायद ऐसा कम हुआ है कि महकमा की तरफ से ऐसा कोई सर्वे सामने आया है। ये तकरीबन 2013 से लेके 2017 यानी 4 साल रिपोर्ट काउंट की गई है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल से डाटा लिया गया है। ये डीजी हेल्थ सर्विसेज की सरकारी एक सर्वे रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि 10 बड़ी बीमारियों जो कि आम हैं हमारे माशरे के अंदर, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व है, उसका मुवाजना किया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज के पंजाब के जो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी बीमारी है। जैसा कि आपने बताया कि लाहौर के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की बीमारी जो है वो लाहौर में पंजाब में सबसे ज़्यादा सरे फहरिस्त है, और दूसरा ज़ियाबीतस, तीसरा जो बड़ा फैक्टर है लाहौर के अंदर वो दस्त, बच्चों के 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा दस्त की बीमारी लाहौर के बच्चों को होती है। अब इन तीन बीमारियों का अगर हम तजिया करें तो देखें कि ये तीन ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो किन वजूहात की वजह से फैलती हैं, और यहाँ का जो रहन सहन है लाहौर का और यहाँ का जो माहौल है वो कैसा है। अगर दस्त की बात की जाए 5 साल बच्चों में जो स्टार्ट होता है तो अगर वो माहौलियाती आलूदगी, गंद और दीगर चीज़ों से, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, इसी तरह जो उसके अंदर ज़ियाबीतस के अंदर, अब ज़ियाबीतस बहुत बड़ा ये एक सवाल है कि इसका मतलब है कि लाहौर के अंदर पार्क्स, ग्राउंड्स और वॉक के लिए इतनी ज़्यादा जगह दस्तयाब नहीं है, और लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि वो वॉक करना भी उनके पास वक़्त नहीं है या वो पसंद नहीं करते। क्योंकि जो ज़ियाबीतस है वो एक ऐसी कैफियत है, अलामत है जो कि इंसान का जो रहन सहन है उसको शो करती है। सही। तो इसी तरह आप अगर काबल, अफगान और इन इलाकों नरान का गान में जाएं तो उनके मेडिकल स्टोरों पे शुगर की मेडिसिन नहीं मिलेगी आपको। वो तो कहते हैं हमारे इधर ब्लड प्रेशर और शुगर की मेडिसिन नहीं होती। तो यही सूरत हाल जो है वो उसकी है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर आप देखें आबादी के लिहाज से और टेंशन, जहाँ जितना बड़ा शहर होता है जितनी ज़्यादा सहूलियात होती है उतनी ज़्यादा टेंशन भी होती हैं, यही वजह है कि उसमें भी लाहौर सरे फहरिस्त है। इन्फेक्शन डिजीज़ की बात की जाए उसमें लाहौर दूसरे नंबर पे है जो, और अगर इसमें ये भी तजिया दिया गया कि जब से सबसे ज़्यादा जो खुशहाल डिस्ट्रिक्ट है उसमें खुशाब और जहलम का नाम भी सरे फहरिस्त आता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपकी जाने में आऊँगी, जिस तरह से अभी सजाद काजमी साहब ने कहा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं, चाहे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर और दीगर, अब क्या वजूहत है कि लाहौर में समेत, लाहौर तीसरे नंबर पे है इन्फेक्शन की बीमारियों के हवाले से, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा इधर प्रॉब्लम आ रहा है पंजाब के अंदर स्पेशली? इकदाम तो हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको गाइड नहीं किया जा रहा प्रॉपरली? मैं समझता हूँ कि सजाद काजमी साहब ने यह बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आज छेड़ा। बेसिकली ये जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जो है ये दोनों लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, और जो डायरिया है ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, लाहौर का पिछले 4 महीनों में अगर आप देखें तो जितना हेपेटाइटिस और जितना टाइफाइड फैला है ये पिछले हमने पूरे अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने नहीं देखा। इतने ज़्यादा पेशेंट आए हैं, पूरा लाहौर ही ऑलमोस्ट हर घराना जो है वो इफ़ेक्ट हुआ। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो पानी है, पीने का पानी, साफ़ पानी नहीं मिल रहा। सही। और अगर साफ पानी हम दे दें तो हमारी तकरीबन 60-70% डिजीज़ जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हेपेटाइटिस आपका कंट्रोल हो जाता है, टाइफाइड कंट्रोल हो जाता है, डायरिया, कॉलरा और ये जितनी भी जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो सारी कंट्रोल हो जाती हैं। तो इसमें यह है कि हमारे यहाँ पुरानी लाइनें बिछी हुई हैं और वो सीवरेज का पानी जो है वो जो पीने वाला पानी उसके साथ मिक्स हो जाता है। वो मिक्स हो के जब लोग वो उसको पीते हैं
तो उससे ये सारी डिजीज़ हो रही हैं। और दूसरी जो चीज़ इन्होंने बड़ा सही इंडिकेट किया कि हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल बड़ा चेंज हो गया है, कुछ उसमें हम खुद ज़िम्मेदार हैं, कुछ गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। मसलन पार्क्स जो हैं वो ऐसा ऐसा लोगों ने उसे उन्हें कवर कर लिया। अब अगर तो आपके मोहल्ले में कोई ऐसा पार्क हो जहाँ पे आप सुबह वॉक कर सकें तो आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, आप दोनों चीज़ों से, डायबिटीज से भी और ब्लड प्रेशर से भी। ये एक सिंड्रोम एक्स होता है जिसमें ओबेसिटी यानी मोटापा और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर और ये डायबिटीज, ये चारों आपस में ये बहन भाई हैं। ये एक होगा दूसरा लाजमी हो जाएगा, और इस सारे ये रिलेटेड है हमारी डाइट से, हमारे लाइफस्टाइल से। अब क्या हो गया कि फिजी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा, बर्गर कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया, और अब बच्चों में मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारी जो आने वाली जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा जो इन्होंने ये अडॉप्ट कर लिया है ये जंक फूड और ये सारा कल्चर, ये इतना नुकसानदेह है। और ऊपर से वो कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी। एक वक्त था कि घर वाले बच्चों को कहते थे कब आप घर आएंगे, अब वो कहते हैं कब घर से निकलेंगे, अपने बेडरूम से कब निकलेंगे। बच्चे इतने तो लिहाजा फिजिकल एक्टिविटी खत्म होगी, रिमोट आ गया, लिफ्ट आ गई, कन्वेंस आ गई, घर से निकले ऑफिस तक कन्वेंस पे, कोई पैदल चलना खत्म हो गया। और उसके बाद एक और चीज, लाहौर में एक जो ट्रेंड आया रात को लेट सोना और सुबह लेट उठना, ये हमारा जो नेचुरल जो साइकिल है उसके अगेंस्ट है। ओवरऑल लाइफस्टाइल ही सारा ही लाइफस्टाइल हमने खराब कर दिया। पोल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये सारी डिजीजेज के। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, अब दूसरे मुल्कों में चले जाएं, उन्होंने वॉकिंग ट्रैक्स और साइकिल के लिए अलग ट्रैक रखे हुए हैं, और लोगों में ये ट्रेंड आ रहा है कि वो छोड़ के व्हीकल्स को साइकिल पे, उससे एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपका वो अपना सारी चीज़ें ये कंट्रोल रहती हैं। तो ये गवर्नमेंट को बड़ा करना अगर, वरना एक वक्त था इन्फेक्शियस डिजीज हमारा प्रॉब्लम था, अब इन्फेक्शियस डिजीज के साथ साथ लाइफस्टाइल डिजीज हमारा प्रॉब्लम हो गया, ये बहुत बड़ा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके किडनीज को तबाह करती हैं, आपके हार्ट डिजीज का सबब बनती है, आपके स्ट्रोक का सबब बनती है, फालिज का। तो अगर हमने इन पे ऊपर काबू ना पाया तो आप जितने मर्जी डायलिसिस यूनिट बना लें, मैं ये कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट फैमिली फिजिशियन को ऑन बोर्ड ले, हम अपनी सर्विसेज फ्री देने के लिए तैयार हैं कि लोगों की स्क्रीनिंग की जाए इन द बिगनिंग, सिर्फ वो उन फैमिलीज को जिनमें डायबिटीज हाइपरटेंशन फैमिली वाइज आ रहा है उनकी स्क्रीनिंग कर ली जाए। लोगों का 200 से प्लस ब्लड प्रेशर होता है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता ये अच्छा। फिर मुसीबत ये है कि ये दोनों बीमारियां शुरू में इनके सिम्टम कोई खास नहीं होते, मसलन लोगों का 200 प्लस ब्लड प्रेशर है उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा, फील ही नहीं हो रहा, डायबिटिक पेशेंट्स को उनको भी नहीं, उनको भी नहीं। अच्छा अच्छा, लोग क्यों हमारे यहाँ दवाई लेने का फील ना होने की वजह क्या है? लोग अक्सर आपको थोड़ी आगाही दे दे ताकि देखे, वैसे तो कहते हैं ना कि शुगर की जो तीन अलामत है उसमें प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा आना, लेकिन ये सारी मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि जरूरी नहीं हो, हर एक में हो, हर एक में हो। अच्छा, बाज में बिल्कुल कुछ भी नहीं होता इनमें से। नहीं, वो कितने परसेंट लोग हैं जिनको ये फीलिंग नहीं होती, यानी साइलेंट किलर भी इसे कहा जाता है ना? साइलेंट किलर हैं दोनों, ब्लड प्रेशर को और ज्यादा। मैं आपको बताऊं कि हार्डली कोई 20% में हेडेक होगा, सर दर्द ब्लड प्रेशर के मरीजों में, 80% में कुछ भी नहीं होता। और सिम्टम तब शुरू होते हैं जब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है, यानी हार्ट का कोई मसला बना, स्ट्रोक का बना, या डायबिटीज में शुरू में पांव जलने शुरू हो जाते हैं, दर्दें शुरू हो जाती हैं, तब जाके पेशेंट आता है, या उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। डायबिटीज का मरीज ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी की तरफ कैसे जाता है? उसकी रीजन ये है कि जो डायबिटीज है ये ब्लड वेसल्स को नैरो करती है। ठीक हो गया, ठीक है जी। इनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा होता है, जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा होता है तो कुछ अरसे के बाद वो माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर यानी छोटी नालियां और बड़ी नालियां, इनकी डिजीज शुरू हो जाती हैं। तो जब वो नालियां नैरो होना शुरू हो जाती हैं तो तब ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है, ठीक है ना? अच्छा डॉक्टर साहब, ये दोनों बीमारियां आपस में रिलेट भी तो करती हैं। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर और शुगर का आपस में इस तरह से होता है कि अगर किसी को है तो उसमें चांसेस या उसके वो प्रोन ज्यादा होता है। जो मैंने कहा ना कि अब WHO ने इवन जो मोटापा है उसको बीमारी डिक्लेयर कर दिया, पहले नहीं, पहले था। हाँ जी,
तो मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर और ये डायबिटीज, ये चारों चीजें जो है ना, इनको बहन भाई सिंड्रोम एक्स इनको कहते हैं। ठीक है, एक होगा दूसरा लाजमी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा डायबिटीज वालों में, बस मोटापा ही पहले आएगा। इसके साथ साथ क्या कंट्रोल, क्या इकदाम किए जा सकते हैं, प्रिवेंशन किस तरह से की जा सकती है, लोगों को अवेयरनेस अगर देनी चाहिए? देखिये जी, मैं आपको एक मिसाल दूंगा, एक जो 250 ml की जो बोतल है, मैं ये कहूंगा पब्लिक को कि वो आप पीते हो ना, तो आप 5 किलोमीटर चलेंगे तो वो उसको आपने जाया किया, उसको बर्न किया। तो हम कितनी बोतलें, लोग अब तो खाने के साथ वसीम अकरम साहब एक जगह खिताब कर रहे थे स्टूडेंट के साथ, तो उन्होंने कहा मैं रोजाना 5.5 से 7 किलोमीटर दौड़ता हूँ। जी तो अगर मैं जनाब आपके जिस तरह आप तो मिठाई की दुकान खा जाते हैं बैठे बैठे, मैं 7 किलोमीटर अगर दौड़ता हूँ और मैं एक रसगुल्ला खा रहा हूँ तो मेरी सारी एक्सरसाइज जाया हो जाएगी। उसमें 2200 कैलोरीज है एक रसगुल्ले के अंदर, और मैं मेरे ख्याल 600-700 बर्न करता हूँ 5-7 किलोमीटर में। बिल्कुल, तो आप बताएं कि खाने पीने में हमने एहतियात, न्यूट्रिशन के पास रवाज ही खत्म हो गया, लोग कोई भी मसला जाने के लिए लोग प्रेफर नहीं करते, इवन डाइट और आपका डाइट पैटर्न जो है वो बहुत बेटर। देखें जी, हमारे यहाँ मैं एक पब्लिक के लिए ये कहूंगा कि नान जो है, ये नान और कुलचे मैदा, ये इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जितनी ज्यादा जितनी सर्ज आती है ना एकदम से शुगर की नान खाने से, शायद आपकी 2-3 रोटियां भी खा लें तो उतना ना आए। ठीक है जी, तो एक तो नान जो है ना, ये इस तरह की बेकरी आइटम्स उसको अवॉइड करना पड़ेगा, ये फिजी ड्रिंक्स जितने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जिनको लोग कहते हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारा जो है, अच्छा हमें अगर खाने से पहले हम एक प्लेट सैलेड की ले लें तो आपका पेट भर जाएगा। 35 इंच अगर मेल्स में और 32 इंच अगर फीमेल्स में, इससे ज़्यादा आपकी वेस्ट है तो आप समझें कि आपको डायबिटीज हो चुकी, आपको ब्लड प्रेशर हो चुका। अगर नहीं है तो ये हाँ जी नहीं है तो ये एक होती है स्टेज प्री डायबिटीज, एक नॉर्मल होता है, एक प्री होता है, एक फिर डिजीज होता है। ठीक है ना, तो डिजीज और नॉर्मल के दरमियान जो प्री है वो तो इतने ज्यादा लोग हैं उसमें कि उसमें, और इसकी सारी वजह हमारा लाइफस्टाइल, हमारे टोटली हमारा लाइफस्टाइल है, चूंकि हमने फिरना छोड़ दिया। पहले जमाने में क्या होता था कि लोग सुबह उठते थे, हल्का नाश्ता करते थे और उसके बाद खेतों में जाके हल चलाते थे, सारा कुछ खेती बाड़ी, शहरों में लोग पैदल जाते थे, वो स्ट्रिक्ट किस्म की लेबर थी वो लोग करते थे, और उससे जो है जो आपने खाया पिया वो हजम हो जाता था, वेट नहीं बढ़ता था। अभी भी आप, इन्होंने सही एग्जांपल दी, नारान का गान, या इवन आप उधर गिलगित आगे हमजा चले जाए, पहाड़ चढ़ते हैं लोग, वो उन कोई मोटा बंदा आपको वहां पे नजर नहीं आएगा, 100+ उनकी एजेस है, जहाँ मोटा नहीं नजर आएगा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाई भी नजर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है ना, तो अगर हम आज भी अगर हम नेचर की तरफ वापस आ जाएं, हम ये जो चीजें हमने शुरू कर दी हैं इनको खाना बंद कर दें, वो लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के अलावा और भी बीमारियों में मुबर्रा है, और भी अब बहुत सारी, ये जो 2 डिजीजेज हैं ये है मदर ऑफ डिजीजेज। ठीक है ना, असल आप डायबिटीज हुई, स्ट्रोक, आंखों की बीमारियां, गुर्दे की, ठीक है, उसके बाद हार्ट आ गया, गुर्दे आ गए, टांगों की सारी ब्लड वेसल्स आ गई, यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड भी बिल्कुल, हमारा गोश्त बहुत ज्यादा लोग खाना शुरू हो गए, ये सारी चीजें जो है ना, ये सिर्फ हमने, मसल पहले आप देखें गोश्त पकता था या कोई मेहमान आ जाए या ईद पे, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो भी क्या कि एक पाव गोश्त वो पूरी फैमिली खाती थी। अब ये है कि लोग बकरे के बकरे ला के और वो तीनों टाइम गोश्त जो है ना वो बन रहा है, उसकी वजह से ये सारी डिजीजेज जो है ना, ये हमारी जो सो कॉल्ड सिविलाइजेशन और जो मॉडर्नाइजेशन है ना, ये गिफ्ट है उसके। ठीक है ना, मतलब डायबिटीज, अब जो लेटेस्ट स्टडी आई है 26% डायबिटीज, जो कि पहले कभी हार्डली 3-4% होती थी। अब तो यंग एज में बहुत सारे लोगों को हार्ट के इश्यूज, डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के। अच्छा डॉक्टर साहब, मैदे की बीमारी में भी लाहौर दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसकी क्या वजूहत? मैदे की बीमारी में ये है कि आप हमारी जो डाइट है उसमें आप देखें कि एक तो जो बारबेक्यू है, जो स्मोक फूड है, जो कोयलों के ऊपर पकता है, वो ये जापान में हुआ, इसके ऊपर रिसर्च हुई कि ये जो मैदे का कैंसर है ये कॉज करता है, उसका सबब बनता है स्मोकिंग, बारबेक्यू,
ये बारबेक्यू जी मैं देख स्मोक जो फूड होता है ग्रिल्ड जो नहीं वो उससे जलने की होती है या मसाले की वजह से जी जो गोश्त जल जाता है उसकी डायरेक्टली हीट पे अच्छा कर रहे होते हैं इस वजह से जो उसपे कोल का चारकोल की वजह से ना वो जल चुका होता है और वो एक उसका सबब बना। इसके अलावा जो मिर्च मसाले आप ने कभी बाजार का खाना खा लें उसके बाद रात को आपको एसिडिटी शुरू हो जाएगी ठीक है ना। और जो लोग फ्रीक्वेंटली खाते हैं आप उसके मुकाबले में चाइनीज आपने लिया आपका पेट उनको एसिडिटी भी नहीं होती जी साइलेंट जा रहे हैं बीमारी की तरफ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि ये जितनी मुर्गन गजाएं होंगी जितनी ज्यादा ये स्टे करती हैं मैदे में उतना ही ज्यादा और उतना ही ज्यादा जो पेप्टिक अल्सर वगैरह जो मैदे का सारा और ड्यूडेनल अल्सर ये सारा ही बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ये टोटली रिलेटेड है हमारी जो। और फिर उसके अलावा जो प्रॉब्लम है दूसरे मुल्कों में शायद कत्ल इतना बड़ा जुर्म नहीं होगा जितना मिलावट जो है खुराक में हमारे यहाँ मिलावट खालिस चीज हमें डाइजेस्ट नहीं होती। आप अंदाजा करें कि जो हमें ये वीडियोस में या जो फूड रिपोर्ट में आ रहा है कि घी कैसे बन रहे ठीक है और दूध कैसे मतलब पहले होता था कि चलो दूध में पानी मिलाते थे अब तो ये है कि शैम्पू उस दूध है ही नहीं वो मतलब शैम्पू और पता नहीं क्या क्या चीजें मिक्स करके दूध की शक्ल में हमें दे दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर चूंकि मैं उस बात करना चाहूंगी आज के टॉपिक के हवाले से लोगों को अवेयरनेस के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहेंगे। मैं ये समझता हूँ जी कि एक तो ये है कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ ये कर लें कि पीने का पानी बॉयल कर लें तो हम बेशुमार डिजीजेस जो है ना उससे बच सकते हैं। उसके अलावा हम ये रूटीन बना लें कि एक घंटा डेली वॉक ये हमने लाजमी करनी है। खाना खाने से पहले हमने एक प्लेट सैलेड की ले लेनी है ताकि और नान से और जो मैदे की चीज़ें उनसे परहेज करनी है। फिजी ड्रिंक्स का बॉयकाट करना है। हम अपनी उस जो पुरानी लस्सी थी जो स्कंजबीन थी जो पानी था वो अच्छा एक चीज़ और मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यख ठंडा पानी पीने का बहुत रिवाज है। ये बहुत नुकसानदेह हार्ट डिजीजेज इसमें देखा गया कि ज्यादा जापानीज में हार्ट डिजीज नहीं है चूंकि वो पानी गर्म पीते हैं। अमेरिकन में हार्ट डिजीज बहुत है क्योंकि मैं गया अमेरिका वहां पे आधा जग उन्होंने बर्फ से भरा होता है जी और चिल्ड वाटर जो और चाइनीज ज्यादातर पीते हैं नीम गर्म वो नीम गर्म पानी पीते हैं चाइनीज भी और जापानीज भी इनमें हार्ट डिजीज नहीं है। तो अगर हम जो रूम टेम्परेचर पे है वो पानी अगर पिए तो उससे हम तो ये चांद एक वो चीजें जिनके ऊपर आपका कोई खर्च नहीं हो रहा हाँ। लेकिन आप बेशुमार चीजों से बच जाएं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं ताकि आप इन सारी चीजों से और ये जो चीनी है मतलब जो ये जहर है ये वाइट इसको अवॉइड किया जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का सजाद काजमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब अवेयरनेस के लिए हमने आज कोशिश की कि डायबिटीज और दीगर बीमारियां जो हैं जिनमें जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है उसमें किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है कंट्रोल किया जा सकता है अपने लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर किया जा सकता है मजीद भी डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए जागो लाहौर।